ओके okay जी एक छोटी सी आपको यहाँ पे बात बता दूँ कि यूनिट वेक्टर्स के अंदर आप किस तरीके से एक वेक्टर्स को डिज़ाइन करते हैं मैं दोबारा से क्लियर कर दूँ क्योंकि यूनिट वेक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं अगर मेरे पास आई हैट जो है जो मैंने पहले भी बताया वो है वन एंड ज़ीरो और मेरे पास जो जे हैट है वो है ज़ीरो एंड वन क्योंकि यूनिट वैक्टर हमारे पास जो इस तरीके से यहाँ पर यूनिट वैक्टर होगा एक यहाँ पर होगा ठीक है तो यूनिट वेक्टर्स जो हमारे पास दो हैं आई हैट एंड हैट जब कोई भी वैक्टर हमारे पास आता है ना यानी कि मेरे पास टू और थ्री का वैक्टर आ गया तो यूजली होता यह है कि आपका ये वाला जो वैक्टर है बेसिकली इक्वल टू है अगर आप टू को हैट के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस इसमें करें फिर बाद में थ्री को हैट के साथ ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैन हैव एन आइडिया टू अगर आई हैट को करें तो वन जीरो है प्लस थ्री अगर जे हैट को करें तो जीरो वन है तो यही मैंने आपको पहले बताया था टू सॉरी टू जीरो और यहां पे अगर प्लस किया जाए तो ये हमारे पास है जीरो एंड थ्री और ये हमारे पास इक्वेशन बनती है टू प्लस जीरो एंड जीरो प्लस थ्री विच इज इक्वल टू टू एंड थ्री तो इस तरीके से हमारे यूनिट वैक्टर से एक वैक्टर जो है वो डिजाइन होते हैं ठीक है ये सिर्फ इस वजह से मैंने बताया क्योंकि मैं सोच रहा था कि आप में से कोई लोग हैं, भी परेशान ना हो कि यूनिट वेक्टर से कैसे वेक्टर्स बन रहे हैं और किस तरीके से वो वेक्टर्स हमारे काम आते हैं अब मैंने आपको ये बात बताई कि जो वेक्टर्स हमारे पास आते हैं से फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक वैक्टर बना रहा हूं और उस वैक्टर को मैं बार बार जारी बात है आपके सामने ड्रा कर रहा हूं एक मैं इस साइड पर गया और एक मैं इस साइड पे गया ये दो वेक्टर मैंने ड्रॉ किए ये हो गए हमारे यूनिट वेक्टर जो मैंने पहले भी आपको बताया ठीक है यहां से हमारे पास जो वेक्टर आता है वो इन दोनों को मिला के ये इस तरीके से हमारे पास ये वाला एक वेक्टर आता है यानी कि एक्स इस साइड पे और आएगी और जे का जो वैक्टर हमारे पास आएगा वो ये होगा अब जैसे ही हमारे पास कोई वैक्टर आता है इसका मतलब ये है कि हम इसके अंदर रद्दोबदल कर रहे हैं ठीक है इसके अंदर रद्दोबदल यानी कि आई और जे हैट के अंदर रद्दोबदल हो रही है आई हैट ये है और जे हैट ये है जब इन दोनों के अंदर रद्दोबदल हो रही है इसका मतलब ये हुआ कि एक वैक्टर ये वाला एक वेक्टर अगर हम आई हैट को सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट रखें यहीं पर और जे हैट को मूव करते जाए ऊपर से नीचे तो हमारे पास क्या होगा अगर आप गौर करें तो, तो हमारे पास ये चेक करें आई हैट इतना ही रहेगा सिर्फ जे हैट मूव कर रहा है यानी कि यह वाली चीज ऊपर नीचे जा रही है तो एट दी एंड हमारे पास क्या होगा एक लाइन बन जाएगी ये वाली लाइन क्योंकि हमने एक को कांस्टेंट रखा है अगर आप चेक करें तो यह लाइन हमारे पास ऐसी बन जाएगी अगर इसी तरीके से हम जे हैट को कांस्टेंट रखें और आई को मूव करते जाएं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से वैक्टर्स बनते जाएंगे जो जे हैट हमारा कॉन्स्टेंट है लेकिन आई जो है वो मूव करता जाएगा एंड एट दी एंड हमारे पास कुछ इस तरीके से इसकी लाइन बन जाएगी इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि हमारे पास टू डी प्लेन बन जाएगा और अगर हमारे पास टू डी प्लेन बन रहा है एक एक को कांस्टेंट रख के यानी कि अगर एक कॉन्स्टेंट है और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास मतलब जे हैट जो है वो हमारे पास वेरिएबल है या वाइस वर्सा तो हमारे पास तो एक लाइन बन रही है और अगर हम दूसरे को करते हैं तो दूसरी लाइन बनती है वट इफ वी चेंज बोथ यानी कि मैं आई हैड को भी चेंज करूं और जे हैड को भी अब आप गौर कीजिएगा कि मेरे पास जो आई हैड चेंज हो रहा है और जे हैड चेंज हो रहा है मेरे पास ये भी ला सकता है वैक्टर यह भी आ सकता है ये 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 भी आ सकता है

मेड फ्रॉम यूनिट वैक्टर्स इसी वजह से इनको बेसिस वैक्टर्स बोलते हैं ठीक है अब ये जितने वैक्टर ये जितने वैक्टर जितने वैक्टर ये हमारे बेसिस वैक्टर्स की बेस पे बन रहे हैं ठीक है इन वैक्टर्स को स्पेन ऑफ दैट वैक्टर बोल रहे हैं यानी कि मेरे पास अगर तीन बाय चार का कोई वैक्टर है ना इसका स्पैन ऑफ वैक्टर्स क्या होगा कि मेरे पास जितने भी वैक्टर बनेंगे वो सारे के सारे इसके स्पैन में आएंगे यानी कि इससे स्टार्ट करके मैं जितने मर्जी बना सकता हूँ ठीक है मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास थ्री और फोर का कोई वैक्टर है और इसको मैं बार बार चेंज करता जाऊं थ्री को टू के साथ मल्टीप्लाई कर दूं थ्री और इसको तो मेरे पास आ जाएगा छः और चार दो बार आठ तो मेरे पास ये भी वेक्टर बन जाएगा इससे आगे भी बन जाएगा ये भी बन जाएगा तो मेरे स्पैन के अंदर पूरी जो मेरे पास टू डायमेंशनल रियल नंबर्स वाले जितने भी वैक्टर्स हैं वो सारे के सारे बनेंगे रियल नंबर से मुराद मेरे पास ये है माइनस वन वन ज़ीरो सारा कुछ मिला के लेकिन रुको ज़रा सब्र करो जब मेरे पास दूसरा सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ इस वेक्टर के स्पेन के अंदर सारे वेक्टर्स आ रहे हैं ठीक है स्पैन ऑफ वैक्टर इसका मतलब यह है कि जितने वैक्टर उस वैक्टर से आगे बन सकते हैं अब एक मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूं मेरे पास एक वैक्टर है ये वाला जिसका नाम है माइनस वन वन एंड वन और यहां पे अगर मैं वन को चेंज करूं और एक को कांस्टेंट रखूं और दूसरी साइड पे मैं माइनस वन और वन अगर हो मेरे पास अब आप देखें सिनेरियो क्या होगा अब आपके पास सिनेरियो किस किस्म का होगा हां जी क्या हो सकता है अब चलें मैं आपको एक और बात समझा देता हूं क्या कोई ऐसा सनेरियो है कि वेक्टर का स्पेन सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पे मोहित हो इससे आगे ना जाए यानी कि ये जो मैंने लाइन बनाई है इसका कलर मैं चेंज करता हूं दिस वन कि जितने भी वेक्टर उस वेक्टर से बने वो सारे के सारे इसी लाइन पे हों इससे आगे पीछे ना बढ़ सके ऐसा कोई सनेरियो हो सकता है और अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है कि एक लाइन से वैक्टर हट ही नहीं सकता यानी कि पिछले में हमने देखा था हर जगह पे वैक्टर फैले हुए हैं लेकिन यहां पे एक ऐसा सिनेरियो भी होता है जब सारे के सारे वैक्टर एक लाइन के ऊपर होते हैं इस सिनेरियो को हम बोलते हैं लीनियर डिपेंडेंस लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वैक्टर लीनियर डिपेंडेंस और ये लीनियर डिपेंडेंस कब होती है किस वजह से होती है कोई बता सकते हैं कि लीनियर डिपेंडेंस कब होती है कौन से वेक्टर्स के साथ आपके पास लीनियर डिपेंडेंस होती है दैट्स माय क्वेश्चन सोचें जरा अपना टाइम लें और सोचें जरा हाँ जी चले आपके काफी मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं एंड आई वाज अमेज टू सी कि कुछ लोगों के डिफरेंट आंसर्स भी आ रहे हैं और कुछ लोगों के सेम आंसर आ रहे हैं ये तब होता है जब आपके पास एक्स और वाई की रेशो सेम रहे यानी कि अगर मेरे पास एक्स है टू और वाई मेरे पास फोर है तो ये मेरे पास है x की टू y की फोर यानी कि मेरे पास जो यहाँ पे एक रेशो बन रही है टू की बन रही है वन एंड टू की ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको वन एंड टू कहूँगा तब भी और इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मैं थ्री एंड सिक्स कहूँगा तब भी और इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फोर एंड एट कहूँगा तब भी लेकिन अगर मैं इस सिनेरियो को ड्रॉ करके देखूँ कि जो मेरे पास एक्स है वो टू वाई के इक्वल हो तो क्या बनता है मेरे पास ठीक है और इसके लिए हम कॉजमोस का डेस्मोस का दोबारा से वो जो पैरेलल के पैरल्स के ऊपर नहीं डेस मोस के ऊपर हम वापस जाते हैं सो so, लेट्स ये मेरे पास एक सिनेरियो है मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि मेरे पास जो x है ना वो है x इज 2y, अब गौर करें आप ये जो मैं बात कर रहा था ना कि जीरो के ऊपर से गुजर के जा रही है तो आपके पास बेसिकली वही सिनेरियो रहेगा जो लीनियर इंडिपेंडेंस का होता है यानी कि आपकी जो रेशो है वो सेम रहे इसमें कोई चेंजेस ना आए अब मैंने x इज इक्वल टू टू वाई लिखा तब भी वही लाइन है x इज इक्ल टू वाई लिखा तब भी वही लाइन है तो जिन लोगों ने मेरे पास पहले आंसर दिया था कि जब x और y बराबर हो बिल्कुल ये भी हो सकता है जब x और y की रेशियो डिफाइंड हो तब भी हो सकता है जब x और y मेरे पास डिफरेंट किस्म के हों तब भी हो सकता है सो इट विल ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट जब आपके पास x और y की रेशियोज में कोई फर्क ना पड़े जब स्केलर वेक्टर्स की बेस पे आपके एक्स और वाई में फर्क ना पड़े से फॉर एग्जाम्पल ये तब होता है जब दोनों साइडों पे सिमिलर वे में हम मल्टीप्लीकेशन करें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एक्स इज इक्वल टू तो टू वाई को टू एक्स इज इक्वल टू तो फोर वाई बोलता हूं तब भी ये मेरे पास वैसे ही रहेगा ठीक है और इट विल रिमेन द सेम इसका मतलब यह हुआ कि वेन एवर आई मल्टीप्लाई एक्स एंड वाई बोथ विद अ स्केलर नंबर एट दैट पॉइंट योर वैल्यूज़ विल नॉट चेंज सेम टाइम पे सेम जो स्केलर नंबर के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है और इससे क्या होता है इसके लीनियर डिपेंडेंसी बन जाती है अब इसको और भी डिटेल में हम देखते हैं कि लीनियर इंडिपेंडेंस लीनियर डिपेंडेंस क्या होती है By द वे लीनियर डिपेंडेंस अगर हो तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं हम मैं आपको भी दिखा देता हूँ समझा देता हूँ यहाँ पर चेक करें मेरे पास है एक्स वाई जो था टू एंड फोर तो यहां पे अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लूँ, आई एम जस्ट गिविंग a रॉ example, टू एंड फोर तो ये कहीं यहां पर बनता है ठीक है पहला वैक्टर वन एंड टू तो ये मेरे पास बनता है वन एंड टू ये यहां पर बनता है ठीक है और जाहरी बात है जीरो और फिर अगर उसको जीरो को दोगुना करेंगे तो वह भी जीरो ही है तो यहीं पर आएगा जीरो के ऊपर ठीक है इसी तरीके से तीन और छ तीन और छ ये क्यों यहां पर बनता है और इसी तरीके से चार और आठ चार और आठ अगर मैं ले जाऊंगा तो यहां पर बनेगा सो ये एक लाइन ऐसी होगी जो जीरो से गुजरेगी अब इसको हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि ऐसी वैल्यू जो एक दूसरे पे लीनियरली डिपेंडेंस तब होंगे जब उनका वाई और एक्स इंटरसेप्ट कुछ नहीं होगा क्या ये बात दुरुस्त है कि नहीं कि आप अगर गौर से देखें ये एक ऐसी वैल्यू है जब वाई और एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास चेंज नहीं हो रहे अगर मैं यहां पे फोर एक्स इज इक्वल टू फाइव वाई सॉरी वाई लिखता हूं तो ये मेरे पास इस तरीके से सेंटर से गुजर के जा रही है जैसे मैं इसमें फाइव ऐड करूंगा मेरे पास इंटरसेप्ट आ जाएगा तो ये भी तो एक इक्वेशन हो सकती है ना और क्या हम इसकी बेस पे भी इसको चेक कर सकते हैं कि अगर इसकी रेशो में कोई फर्क ना पड़े ये भी तो एक लाइन सीधी आ रही है ना क्या समझे तो इसका मतलब ये है बेसिकली बेसिकली इसका कहने का मकसद ये है कि जब भी आप किसी भी एक लाइन को स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि एक वेक्टर को स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वे एक दूसरे पे लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे यानी कि उनका स्पैन इस लाइन से बाहर नहीं जाएगा जितने भी वेक्टर इस लाइन के ऊपर हैं वही वेक्टर आप बना सकेंगे इससे इससे ज्यादा नहीं बना सकेंगे और अगर आप लीनियर डिपेंडेंस को अच्छे से समझ लें तो इसका उल्ट जो होगा वो लीनियर इंडिपेंडेंस है इनडिपेंडेंस यानी कि अगर आपका वेक्टर जो है जो वेक्टर आपने ड्रॉ किए हैं उसको जब भी कोई मैनिपुलेशन करें उस वेक्टर की बेस पे आप इस साइड पे भी जा सकें इस साइड पे भी जा सकें इस साइड पे भी इस साइड पे भी यानी कि पूरी टू स्पेस के अंदर आप मूव कर सकें तो उसको रियल टाइम टू स्पेस के अंदर जब आप मूव कर सकें तो वो बेसिकली आपका जो है वो इंडिपेंडेंस होगी अगर आप मूव नहीं कर सकते तो वो डिपेंडेंस होगी तो ये हो गया दो स्नैरियो अब तीसरे सिनेरियो की तरफ चलते हैं तीसरा सिनेरियो यह होता है स्पैन ऑफ वैक्टर्स को देखने का अगर आपके पास जीरो और जीरो का वैक्टर हो जिसको हम कैपिटल जीरो के साथ शो करते हैं अगर आपके पास नल वैक्टर इसे हम बोल सकते हैं यानी कि जीरो जीरो का वैक्टर हो अगर आपके पास कुछ इस तरीके से एक वैक्टर है ठीक है वी इसको जीरो वैक्टर बोलते हैं बाय द वे इसके साथ जो मर्जी स्केलिंग करी जाओ इसने जीरो ही रहना है क्या कर लोगे किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप मल्टीप्लाई होगा तो एट द एंड जीरो ही रहेगा इसका मतलब जब जीरो आ जाए वेक्टर्स के अंदर तब आपके पास कोई भी टू डी या थ्री डी स्पेस के अंदर कुछ नहीं बन सकता ठीक है तो जीरो जीरो वेक्टर को अगर आप स्केल करेंगे तो वो जीरो पे ही रहेगा इट कांट मूव आउट ऑफ जीरो तो इस वजह से इसको हम मद्देनजर रखते हैं कि हमारे पास तीन किस्म की डिपेंडेंस होती है, एक है दूसरी इंडिपेंडेंस है लीनियर और तीसरा हमारे पास जीरो के ऊपर आता है तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आती है ये सारी चीजें अब आपकी एक एग्जाम्पल आपने बनानी है एग्जाम्पल आपने ड्रॉ करनी है लीनियर डिपेंडेंस की लीनियर डिपेंडेंस लीनियर डिपेंडेंस की आपने एक एग्जाम्पल ड्रॉ करनी है खुद से और इसके ऊपर और अच्छे से चीजों को समझना है बिकॉज दिस इज अ नाइस टॉपिक टू अंडरस्टैंड अगर आपको ये इसकी समझ आ गई देन इट वुड बी इजियर फॉर यू टू गो फर्दर ठीक है 오케이. Okay. 오케이. Okay.